क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मधुबनी में जल संसाधन मंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। रोहतास में पहले चरण के मतदान सकुशल संपन्न, बूथों पर अप्रिय घटना नहीं हुई दर्ज। बेतिया में चीनी मिलों के व्यवहार से परेशान गन्ना किसान, समय से चालान न होने पर जताई चिंता। पटना में व्यापारी की हत्या का हुआ खुलासा, स्टाफ ने की लूट के बाद की हत्या। बक्सर में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न, आला अधिकारियों ने बूथों का किया निरीक्षण। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मद निषेध मंत्री सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष शराब से हुई मौतों का गलत आंकड़ा बता रही है। उन्होंने 100 से ज्यादा हुई मौतों का झूठ बताया और कहा कि अभी तक शराब पीने से हुई मौतों का आंकड़ा सिर्फ 38 है। गोपालगंज में शराब पीने से हुई मौतों पर जारी मुआवजे की रिकवरी की जानकारी दी। पटना का जहाँ तक प्रश्न है, पटना में गिरफ्तारियाँ सबसे ज़्यादा हुई हैं, मैं बता दूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट का कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की है, जिसमें मेरे ख्याल से पांच नए जिले बताए हैं और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आप भी जानते हैं कि चारों बगल से ओपन बॉर्डर है और इसमें एक लोगों को फ़ायदा होता है गलत धंधा करने से, इसका इकोनॉमिक रीजन्स है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ऐसा कोई, आप जब आईपीसी आज़ाद हुआ, सीआरपीसी आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि इंडिया क्राइम से फ्री हो गया या बिहार क्राइम से फ्री हो गया। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सरकार पर झूठे आंकड़े जारी करने का आरोप विपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा ने लगाया और बताया कि अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को नैतिकता के आधार पर सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। न्यायिक जांच कमेटी बनाकर सिटिंग हाईकोर्ट के जज से आप क्यों जांच कराना नहीं चाहते हैं? आप SIT गठन करते हैं जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं और उसी से आप जांच कराएंगे? क्या सिर्फ छपरा में ये मामला है? पूरे बिहार के अंदर दारू और बालू पुलिसिया पदाधिकारी का, पुलिसिया लोगों का एक कमाई का बड़ा अड्डा बन गया है। अब क्या वो जांच करके देगा? खाना पूर्ति करना चाहते हैं, आगे ये नरसंहार नहीं हो, सुधारने की बजाय आप निपा पूर्ति में लगे हुए हैं। मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड के 2 अलग अलग जगहों पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाबा बतूही नाथ महादेव मंदिर प्रांगण में सष्टम वित्त आयोग योजना के तहत करीब 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन के जीर्णो उद्धार और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 तक पश्चिमी कोसी नहर से जिले के हर किसान के खेत में पानी पहुंचेगा और मधुबनी जिला के जयनगर में 400 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण कार्य कराया जाएगा।
नेपाल के रास्ते से आने वाले पानी और बाढ़ से बचाव किया जा सकेगा। लोहा पंचायत के मुखिया राजेश मिश्रा ने नदी में गेट की मांग पर कहा कि जल्द तकनीकी रुकावट को दूर कर निर्माण कार्य संपन्न कराया जाएगा। जल संसाधन विभाग की जनहित कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि फल्गु नदी में पानी की कमी से लोगों को पिंडदान और पूजा करने में दिक्कत आती है। अब नदी में सरकार के प्रयास से 10 फीट पानी उपलब्ध है। कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी कानून पर कहा कि सभी पार्टियों ने शराबबंदी कानून का समर्थन किया और क्रियान्वयन के निचले स्तर पर गड़बड़ी होने के कारण कानून सफल नहीं रहा। शराबबंदी कानून की समीक्षा पर कहा कि किसी व्यक्ति या दल के कहने पर कानून नहीं बना है, लेकिन ताड़ी की समीक्षा को समय की जरूरत बताया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी किए कटाक्ष का पलटवार करते हुए कहा कि जो भाजपा के साथ रहेगा उसकी नैतिकता रहेगी, चाहे वह कितना भी अनैतिक क्यों ना हो। शराबबंदी कानून को लेकर विधानसभा सत्र का सुचारू संचालन ना हो पाने पर विपक्ष की आलोचना की और सदन चलाना पक्ष विपक्ष दोनों का दायित्व बताया है। तो नीचे के अधिकारी हैं उनको ठीक से काम करना चाहिए और शराबबंदी से अधिक नीचे के लेवल पे दाढ़ी का जो मामला है उससे लोगों को कुछ ज़्यादा परेशानी, लेकिन नशा लोग ना करें यह तो सब कोई व्यक्तिगत बातचीत में बोलता है। तो सब लोगों को चाहिए कि इस कानून को सफल बनाने के लिए सब लोग मिलकर सहयोग करें। जब कानून में समीक्षा भी हो सकती है, फिर समीक्षा रोहतास जिले के सभी 239 केंद्रों पर नगर निकाय और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। निकाय चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मनपसंद प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट किया। नोखा नगर परिषद 60.9%, डेहरी नगर परिषद 48.94%, रोहतास नगर पंचायत 61.29%, कोआथ नगर पंचायत 59.38%, नसरीगंज नगर पंचायत 58% मतदान दर्ज किया गया। इस दौरान किसी भी बूथ से अप्रिय घटना दर्ज नहीं की गई। आज जिले में आज 5 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है, जिसमें डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद, नोखा नगर परिषद तथा कोआथ, नासरीगंज और रोहतास नगर पंचायत में चुनाव है। अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो राज्य सूचना आयोग, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो मानक है उसके अनुसार पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा उसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमणशील है और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की गड़बड़ी की, और अगर कोई गड़बड़ी करने का प्रयास भी करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बक्सर जिले की नगर पंचायत ब्रह्मापुर चौसा और नगर परिषद में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। वोटिंग के दौरान किसी भी बूथ पर पानी व्यवस्था, लाइटों की उचित व्यवस्था नहीं कराई गई थी। निबंधन कार्यालय बूथ पर मोबाइल टॉर्च जलाकर वोटिंग संपन्न कराई गई। वहीं जब SDM कुमार पंकज, SDPO कुमार वैभव, BDO CO और स्थानीय थाना अध्यक्ष ने ब्रह्मापुर के सभी 21 मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, तब किसी भी बूथ से गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। SDM कुमार पंकज ने बताया कि जिला कंट्रोल रूम की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक जिले में कुल 41.1% मतदान हुआ। पीने का पानी उने का व्यवस्था किया है सर अपनी तरफ से? नहीं। अच्छा, कि मतलब यहाँ पर कोई और संसाधन है यहाँ पर, जैसे कोई निःशक्त है, कोई दिव्यांग है, उसके लिए नहीं कोई ऐसा संसाधन हमको नजर नहीं आ रहा है। आप कितने देर से खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो हमको लगता है कि 15-20 मिनट हो ही गया। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? हम यहीं स्टेशन रोड से आए हैं, मुसाफिरगंज से। अच्छा, वार्ड नंबर 14 से। क्यों आए हैं यहाँ पर? वोटिंग के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिकंदर।
ही अंधकार है। अच्छा। किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। अच्छा अच्छा। हम लोग अंधकार में मोमबत्ती जला करके रात भर सोए और सुबह में अभी भी ईवीएम जहाँ लगा हुआ लाइट नहीं है फिर भी मोमबत्ती जला कर काम कर रहे हैं। मोमबत्ती जला कर काम कर रहे हैं। मोबाइल से भी घर से लोग मतदाता आ रहे हैं तो हल्ला कर रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो रहा है। मोबाइल का फ्लैश बहुत सारा सूचना दिया गया हम लोग जिला प्रशासन को किसी तरह का नहीं हो रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मतदाता को दिक्कत हो रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। मोबाइल का सूचना दिया है आप लोग? राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर चौधरी, युवा नेता मुकेश यादव, शकील अहमद और अन्य कार्यकर्ता किसानों की शिकायत पर गन्ना मिल पहुंचे, जहां किसानों की समस्या को लेकर मिल कर्मियों से बातचीत कर समस्या को समाप्त करने की मांग की। राजद नेता शंकर चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार है, किसान और गरीबों की सरकार है, सरकार को बदनाम करना बंद कर दे और किसानों को चालान दे ताकि किसान परेशान ना हो। किसानों ने आरोप लगाया कि चीनी मिल समय से गन्ने की आपूर्ति के लिए चालान नहीं कर रही, जिसकी वजह से आए दिन चीनी मिल का चक्कर लगाने को मजबूर है, जिसके कारण गन्ना किसान कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर है। पहले जितनी समस्या है सारे समस्या से अवगत हमारे माननीय मंत्री जी हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी का आज कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन कल वोट होने के चलते, नगर निगम का चुनाव है जिसके चलते डीएम साहब सक्षम नहीं थे, उनका प्रोग्राम रद्द हो गया। आज हम लोग जा रहे हैं गौनाहा में, दलीय बैठक है, उसी क्रम में हमारे पार्टी के जो साथी लोग हैं पर्ची का जो आज समस्या चल रहा है मिल में, हम लोग को लेकर आए। हम लोग आज देखे कि सीनियर कोई पदाधिकारी यहाँ पर लीडर बैठता होगा, लेकिन बिना लीडर का मिल चले ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं। हम राजद के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमने जब नरकटियागंज में आया तो यहाँ के जनता लोगों ने कहा कि नरकटियागंज मिल में बहुत हम लोग का समस्या गंभीर है, तो इसीलिए हमारे साथ में हमारे मुकेश यादव जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं। हम लोग आए तो यहाँ के जनता यदि दिखा रही है, यहाँ के कर्मचारी चाहे जो यहाँ के पदाधिकारी है, मेरी सरकार को इन लोग बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसे बदनामी नहीं होना चाहिए। हम लोग चेतावनी देने आए हैं कि अभी से ही लोग सुधार कर ले अपने मिल की समस्या, नहीं तो आगे यहाँ के जनता मिल जाम करेगा, चक्का जाम करेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वर्ण आभूषण थोक व्यापारी रंजन कुमार से 10 लाख की लूट के बाद बाकरगंज में 19 नवंबर को हत्या कर दी गई थी। पीर बोहर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया और हत्या का मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपियों के पास से नकदी, बाइक, मोबाइल बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नौकरी से निकाले जाने से नाराज स्टाफ के ही लोगों ने लूट के बाद व्यापारी की हत्या की। पुलिस अधिकारियों ने मौके से फरार आरोपी शब्बीर उर्फ सागर की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश जारी किए।
आज हम लोगों ने जो संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है, पटना पुलिस को दो मेजर सफलता मिली है। पहली सफलता पीरबहोर थाना क्षेत्र के साथ संबंधित है। 19 नवंबर 2022 को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे एक बाकरगंज के थोक आभूषणों के विक्रेता हैं रंजन कुमार, जब वो अपना दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनका घर वहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर है, तो रास्ते में दो बाइक सवार तकरीबन 5 अपराधियों के द्वारा उनका जो कैश था, उसमें कोई ज्वेलरी नहीं था, जो पूरे दिन की उनकी कमाई थी खुदरा से, उसको उन्होंने लूटा था। पश्चिम चंपारण बेतिया के बगहा में चल रहे नगर निकाय चुनाव में मनपसंद प्रत्याशी को वोट ना देने पर एक पति ने अपनी पत्नी की साथियों के साथ मिलकर गन्ने के खेत में जमकर पिटाई की। घटना के बाद महिला को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आज नगर निकाय के पहले चरण में सैकड़ों प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। बगहा नगर परिषद में पति पत्नी के बीच मारपीट चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे लोग में दो बोले हमारा मर्जी कर तो जान से मार देंगे। दो तीन लोग गुंडा बुला के मोटरसाइकिल से बैठा कर दोस्ती लाया वोट देने के लिए, करा चलो हमारे साथ ठीक है चलो वही पे डाल देंगे जिसके मर्जी उसके में बुला कर लाया हमको उखी और ले जाकर जान से मार रहा था। नरकटियागंज के मोर बिलवा गांव के पंडई नदी में स्नान कर रहे 3 बच्चे पानी में डूब गए। बच्चों के शोरगुल की आवाज पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने डूब रहे सभी बच्चों को नदी से निकालकर अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बाद में नदी में स्नान करने लगे, इस दौरान यह हादसा हो गया। आज एक 15 साल का लड़का सतीश शाह नाम का पानी में डूबने की वजह से एक्सपायर कर गया है। कहाँ का है? रहने वाला मोर बिलवा का है। अस्पताल में आने से पहले डेथ हो गया था? हाँ, हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले अप्रोक्स आधा घंटा पहले एक्सपायर कर चुका था। पश्चिम चंपारण बेतिया के पोखरिया गांव में नदी किनारे खेल रहे एक बच्चे का पैर फिसलने से नदी में गिर गया, जहां पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। दोस्तों ने घटना की जानकारी मृतक बच्चे के परिजनों को दी और परिजनों ने बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची बैरिया थाने पुलिस को परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। पश्चिम चंपारण बेतिया के बगहा गांव में पिछले कई दिनों से लापता बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया गया। पीड़ित परिजनों ने नदी के पास ताजे बने गड्ढे से शव को बरामद किया और बच्ची की यूनिफॉर्म से पहचान की। आक्रोशित ग्रामीणों और बच्ची के परिजनों ने सड़क पर उतर कर जमकर हंगामा कर कहा कि गाँव के ही एक युवक पर बच्ची के अपहरण की आशंका पर पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण बच्ची की हत्या कर दी गई। हम कोई नहीं अपना दीदी के यहाँ ब्याह पड़ रहा है, बनी दीदी के यहाँ ब्याह पड़ रहा है और जगवानी तो जितना फोन कोयला से हमरा लगे कहाँ बाड़ू हम पानी अपना बहन के यहाँ ब्याह माई पानी ओकरा बाद से आई बता हमरा बेटी के कहले बाप पोताई हो जा बात चल के लिया ले आई बता आई हमरा बेटी आई भी हमरा बेटी के बोला के लिया आई बात हमरा बेटी के पोताई उठा ले कहां बा वो पोताई बांध के झूठो के धो देले बा हमरा बेटी के पकड़ के लिया के किरांच वाला मनोज जदुया विनोद जदुया आ किरांच वाला पुलिस जेसीबी वाला बड़सन सारा हमरा बाबू के मिल जुलता मुंह वाला बड़सन पके। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां गौनाहा पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चरस गिरोह के 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई है। चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 4,68,00,000 बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम।